हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओडिशा ग्रीन वुमेन वर्सेस ओडिशा वायलेट वुमेन के बीच में होने वाला मैच के बारे में। और ये जो मैच है दोस्तों, अभी भी स्टार्ट होने में लगभग 1.5 घंटा बचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, मैच कितने बजे खेला जाएंगे, पिच रिपोर्ट क्या है, दोनों टीम के बीच में कितने बार हेड टू हेड हुए, पॉइंट्स टेबल क्या है, की प्लेयर्स कौन है दोस्तों, यहाँ पर इनकी प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद यहाँ पर सारे प्लेयर्स लास्ट मैच में कितने स्कोर बनाए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा दोस्तों। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो पे देने वाला। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक अगर ओपन नहीं होता दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जाके @shatrughn225 जाके इस तरह सर्च करना दोस्तों। सर्च करते आपको मेरे चैनल हो जाएगा, अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल इस प्रकार मेरे देखेंगे, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको फाइनल टीम सब कुछ अपडेट जो होंगे आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा। तो यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। इसी प्रकार आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए एक बार डिटेल्स को देख लीजिएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैच है 19 T20 मैच है बायजूस ओडिशा वुमेन्स T20 क्रिकेट लीग का, और ये मैच 9 बजे खेला जाएंगे दोस्तों। अगर स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें, ड्रीम्स ग्राउंड कटक इंडिया में खेला जाएंगे। अगर एक बार पॉइंट्स टेबल की बात करें ओडिशा ग्रीन और ओडिशा वायलेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा ग्रीन ने दोस्तों इस सीजन में अभी तक पूरे 7 मैच खेले, इसमें 3 मैच जीते, 2 मैच कैंसिल हुआ दोस्तों यहाँ पर, और 2 मैच हार गए और ये 3rd पोजीशन पर। और वही दोस्तों ओडिशा वायलेट की बात करें, ओडिशा वायलेट ने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 में से 3 मैच जीते हैं दोस्तों, 1 मैच हारे हैं और 3 मैच कैंसिल हुआ था बारिश की वजह से। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये दोनों टीम की पॉइंट्स टेबल की बात करें 2nd पोजीशन वर्सेस 3rd पोजीशन के बीच में ये मैच खेला जाएंगे। तो ये पिच किस किस चीज़ के लिए फेवरेबल है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पिच है दोस्तों, बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, थोड़ा यहाँ पर बारिश होने की अभी भी चांस है, यहाँ पर 50 से 70 रन तक बन सकते हैं। टेम्परेचर 27.23 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। अगर वेन्यू की बात करें, ड्रीम्स ग्राउंड कटक इंडिया में खेला जाएंगे, आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिशा ग्रीन ने लास्ट 5 मैच में 2 मैच हारे हैं, 3 मैच जीते हैं दोस्तों यहाँ पर। और वही ओडिशा वायलेट की बात करें, लास्ट मैच नेट रन रेट पॉइंट मिले थे बारिश की वजह से, और 1 मैच दोस्तों हार गए और यहाँ पर 3 मैच जीते। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो दोनों टीम की फॉर्म सेम है दोस्तों यहाँ पर। अगर हेड टू हेड की बात करें, यहाँ पर दोनों टीम ने यहाँ पर पूरे लास्ट 3 मैचेस की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ओडिशा ग्रीन जीते हैं, यहाँ पर ओडिशा वायलेट ने जीते थे दोस्तों, यहाँ पर स्कोर आप देख सकते हो चाहे तो। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ओडिशा वायलेट जीते हैं, इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर अगर हेड टू हेड की बात करें, तो यहाँ पर ओडिशा वायलेट ने यहाँ पर 2 बार जीते हैं, ओडिशा ग्रीन यहाँ पर 1 बार जीते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपको ग्रैंडली के लिए आपको मैं 3 प्लेयर प्रेफर करूँगा दोस्तों, तीनों प्लेयर ये रहने वाले हैं। दिव्य दर्शनी है दोस्तों यहाँ पर, अगर इनकी बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग के लिए। उसके बाद आर परवीन ऑलराउंडर है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलक कंद्रा है, ये भी ऑलराउंडर है। ये तीनों प्लेयर जो है आपको ग्रैंड लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओडिशा ग्रीन की अगर बात करें, लास्ट मैच में आप यहाँ पर देख सकते हो 16 ओवर में 92 रन बनाए और 6 विकेट लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर ओपनिंग की बात करें आपको, संजीत कारिया है दोस्तों, लास्ट मैच में 34 रन बना रहे थे 38 गेंदों पर। उसके बाद तमाई बेहरा यहाँ पर 3 रन 8 बॉल पर, रश्मिता चिन्नारा 27 रन बनाए दोस्तों, 1 डाउन पर बैटिंग करती है और यहाँ पर ये 27 रन बनाए थे लास्ट मैच में। उसके बाद रसनारा परवीन, ये प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए आपको अच्छा है और इस टीम का कप्तान भी है दोस्तों, यहाँ पर 14 रन बनाए थे 12 गेंदों पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सुनीता मुर्मू, अलकनंदा भी आपको ग्रैंड लीग के लिए अच्छे प्लेयर है दोस्तों। सुजाता मल्लिक 0 पे 0, मतलब रन आउट हो गई दोस्तों यहाँ पर। अगर इस टीम की अगर गेंदबाजों की बात करें, यहाँ पर सुजाता मल्लिक है दोस्तों, लास्ट मैच में 2 ओवर में कोई विकेट नहीं मिले थे, 9 के अकाउंट में है दोस्तों यहाँ पर। उसका बस स्वाइन की बात करें, 2 ओवर में 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन अकाउंट वाइज देखा जाए तो 3.5 अच्छे गेंदबाजी की। कल्पना नायक यहाँ पर 3 ओवर में 15 रन, कोई विकेट नहीं। विजयलक्ष्मी बेहरा की बात करें, जैसे यहाँ पर 2 ओवर में 7 रन दिए थे, कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन अच्छे इकोनॉमी वाइज गेंदबाजी की है। लेकिन अलकनंदा आपको ग्रैंड लीग के लिए अच्छे प्लेयर आपको अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर 2.4 ओवर्स गेंदबाजी करके 10 रन देकर 2 विकेट लिए दोस्तों यहाँ पर। रश्नारा परवीन की बात करें, 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट ले, तो ये एक अच्छे स्टैट थे दोस्तों यहाँ पर। और वही ओडिशा वायलेट्स की बात करें, लास्ट मैच यहाँ पर बहुत मैचेस बारिश की वजह से कैंसिल हुआ, इनकी प्रीवियस मैच की बस स्कोर कार्ड देख लीजिए, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अलिप्सा बिस्वाल है दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग करते हैं,
रानी तोड़ो भी यहाँ पर ओपनिंग कर दी है। 12 रन बनाए थे अरिप्सा बिस्वाल 21 गेंदों पे और रानी तोड़ो 9 रन 30 गेंदों पे। और दिव्या दर्शनी की बात करें, सुश्री दिव्या दर्शनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का, 10 रन बनाए 17 गेंदों पे। भले लास्ट मैच फ्लॉप हुई लेकिन दोस्तों ये प्लेयर आपको मेगा ग्रैंडली के लिए परफेक्ट है। उसके बाद शिल्पा स्वैन 2 रन 5 बॉल पे और यहाँ पर शुभलक्ष्मी रावत यहाँ पर विकेट कीपर है दोस्तों, 7 रन 14 बॉल पे बनाए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी प्लेयर की खास स्टैट्स नहीं, तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेंदबाजी कौन है। तो यहाँ पर रीमा लक्ष्मी 1 आया दोस्तों, यहाँ पर 4 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला, 17 रन दी थी। उसके बाद दिव्य दर्शन 3 ओवर में 13 रन देके 1 विकेट लिए। लॉरेंस की बात करें 2.4 ओवर में कोई विकेट नहीं, तो अच्छे गेंदबाजी के 10 रन दिए दोस्तों। यहाँ पर सुश्री अनिता सिंह 1 ओवर में 7 रन कोई विकेट नहीं। तो लास्ट मैच तो यहाँ पर हार गए थे दोस्तों वडिशा वायलेट वुमेन। तो यहाँ पर अगर की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए बैट्समैन में किसको किसको लेना है, तो दोस्तों दिव्या दर्शनी 100% रहेगी। अगर इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें सीजन में 97.16 है दोस्तों। यहाँ पर कादिया की बात करें आप इनको ले सकते हैं, यहाँ पर 72.86 है। उसके बाद चिन्नारा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 5 मैच में 70 रन बनाए, ये 66.03 स्ट्राइक रेट है। टूडू की भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 5 मैच में 55 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर, और इनका जो स्ट्राइक रेट भी है 55 है दोस्तों यहाँ पर। अलिप्सा बिस्वाल की बात करें, ये भी 5 मैच में 55 रन बनाए, 56.12 इनका स्ट्राइक रेट रहा दोस्तों। यहाँ पर मुर्मू की बात करें, यहाँ पर मुर्मू भी एक लगभग अच्छे प्लेयर है दोस्तों, स्ट्राइक रेट 85.71 है लेकिन ज़्यादा रन ये नहीं बनाए 5 मैच में। तो ये बैट्समैन जो है दोस्तों, ये जो पांचों बैट्समैन मैंने दिया दोस्तों, पांचों बैट्समैन आपको 100% टीम में रखना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में किसको लेना चाहिए, अगर गेंदबाजों की बात करें आर परवीन है दोस्तों यहाँ पर, पूरे अगर इस सीजन में बात करें तो यहाँ पर 5 मैच में 8 विकेट ले, यहाँ पर 4.74 इनका इकॉनमी है। और वही दोस्तों अलकनंदा की भी बात करें, 5 मैच में 8 विकेट है, 4.8 इनका इकॉनमी है। उसके बाद दिव्य दर्शनी की बात करें, यहाँ पर 5 मैच में 7 विकेट है, 3.78 इकॉनमी है दोस्तों यहाँ पर। लॉरेंस की बात करें, 5 मैच में 5 विकेट है, 3.70 इनके इकॉनमी रहा दोस्तों यहाँ पर। के नायक की बात करें, 5 मैच में 2 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। एका की बात करें, 5 मैच में 2 विकेट है। तो यहाँ पर गेंदबाजी में भी बात करें, यहाँ पर मैं 6 प्लेयर्स को पिक किया दोस्तों यहाँ पर, 2-3 प्लेयर रिपीटेड है, ये 6 प्लेयर्स को जरूर टीम में रखिएगा, तो एक परफेक्ट टीम बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद एक बार फाइनल टीम बना लेते हैं। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग की बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन यहाँ पर चिन्नारा को पहले पिक कर लीजिएगा। अगर बैट्समैन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कादिया रहने वाले मेरे टीम में। उसके बाद दोस्तों अलिप्सा बिस्वाल को आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक ही बैट्समैन को यहाँ पर कन्फर्म करना, मुर्मू है, टुडू है, तो टुडू को आप यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिएगा। और ऑलराउंडर्स पे दोस्तों सुश्री दिव्य दर्शनी, परवीन यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा, ये तीनों प्लेयर को पिक करने के बाद यहाँ पर मैं गेंदबाजों पे फोकस करूँगा। तो गेंदबाजों में किसको लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर एसबी लॉरेंस है, इनको आप जरूर टीम में लीजिएगा। उसके बाद मल्लिक तो लास्ट मैच नहीं खेले दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इनको ले सकते हो अपने टीम में। उसके बाद दोस्तों बेहरा, रानी शॉ, स्वाइन है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही प्लेयर को अभी यहाँ पर मैं कन्फर्म करूँगा। तो यहाँ पर आप के नायक को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को आप ले लीजिएगा। एका है दोस्तों, एका को आप यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर सबको बोले उसी प्लेयर को मैंने पिक किया। अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, सुश्री दिव्य दर्शनी है दोस्तों यहाँ पर कैप्टन के लिए, और वाइस कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर वारक नंदा को ले लीजिए, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों में ये परफेक्ट रहने वाले। एक बार टीम को अच्छे से देख लीजिए, विकेट कीपिंग पे दोस्तों यहाँ पर चिन्नारा रहेंगे, बैट्समैन में टूडूस, कादिया, बिस्वाल है दोस्तों यहाँ पर, ऑलराउंडर्स में एकाद, सुश्री दिव्य दर्शनी, अलकनंदा, परवीन है। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर एस मल्लिक, उसके बाद लॉरेंस है, के नायक है दोस्तों यहाँ पर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, वाइस कैप्टन पर अलकनंदा है और यहाँ पर सुश्री दिव्य दर्शनी आपको कैप्टन पर नजर आएंगे। अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करें, ओडिशा ग्रीन वुमेन्स के 6 प्लेयर्स है, ओडिशा वायलेट की 5 प्लेयर्स है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो प्ले टीम है पहले, इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ मैं वहीं पर कवर करने वाला। तो इस टीम को जल्दी से जाके कवर कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।